बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन टू, उसका लेक्चर 7 है। डिफरेंशियल इक्वेशन टू में जो सबसे अहम टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, वो है कन्वोल्यूशन थ्योरम। लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन 0 टू इन्फिनिटी। द कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय एफ स्टार जी इज डिफाइंड बाय एफ स्टार जी इन टू टी इज इक्वल टू 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी जी ऑफ यू इन टू डी यू। हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एफ स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार एफ। इसका मतलब क्या है कि एफ स्टार जी हमारे पास है 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी यू इन टू डी यू। जी स्टार एफ का मतलब है 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। इसका मतलब कि जी स्टार एफ इज इक्वल टू एफ स्टार जी। इसका मतलब है बेशक आप एफ की जगह पे टी माइनस यू रिप्लेस कर लें या जी की जगह पे टी माइनस यू रिप्लेस कर लें, तो दोनों सूरतों में ये इक्वल होंगे, एफ स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार एफ। सेकंड प्रॉपर्टी है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एफ स्टार जी प्लस एच इज इक्वल टू एफ स्टार जी प्लस जी एफ स्टार एच, एफ स्टार जीरो इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास कन्वोल्यूशन थ्योरम है, लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी अ पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 टू इन्फिनिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, लाप्लास जी ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। आपने पहले पढ़ा था कि लाप्लास एफ ऑफ टी, आपके पास जब आप लाप्लास लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ टी की, आपके पास जो आंसर आता है वो इन टर्म ऑफ एक्स आता है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास है लाप्लास एफ स्टार जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस इन टू जी ऑफ एक्स। जब ये तो आप अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स एफ ऑफ एस इन टू जी ऑफ एस इन टू टी इज इक्वल टू एफ स्टार जी इन टू टी। एफ स्टार ऑफ जी इन टू टी की हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी यू डी यू। मैंने पहले भी बोला है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 0 टू टी एफ ऑफ यू इन टू जी ऑफ टी माइनस यू डी टी, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एफ स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार एफ। हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन समझ लें। यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम टू एवेल्युएट इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है इन टर्म ऑफ एस, वन ओवर एस स्क्वायर इन टू एस प्लस टू। हम इसको दो फंक्शन में चेंज कर लेंगे, एक हम नाम दें एफ ऑफ एस, यानी वन ओवर एस स्क्वायर को आप एक फंक्शन में चेंज कर लें और दूसरे फंक्शन को आप नाम दे दें जी ऑफ एस, वन ओवर एस प्लस फाइव। क्या करेंगे, इसकी भी लाप्लास इनवर्स लेंगे, इसका भी लाप्लास इनवर्स लें। लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस लाप्लास इनवर्स वन ओवर एस। आपको पता है, आपने पढ़ा था कि लाप्लास ऑफ टी क्या होता है, वन ओवर एस स्क्वायर। ये इधर आकर क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो इसका मतलब लाप्लास इनवर्स वन ओवर एस स्क्वायर बराबर होगा टी के। तो देख लें, लाप्लास इनवर्स वन ओवर एस किसके बराबर है, टी के। फिर आपने पढ़ा था कि लाप्लास ई की पावर ए टी इज इक्वल टू वन ओवर एस माइनस ए। हमारे पास क्या है, ई की पावर माइनस फाइव टी। जब आप इसका लाप्लास लेंगे तो क्या आएगा, एस प्लस फाइव। तो ये इधर आकर क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो हमारे पास लाप्लास इनवर्स हो जाएगा एस प्लस फाइव इज इक्वल टू की पावर माइनस फाइव टी। एफ ऑफ एस का मैंने लाप्लास लिया, जब आप लाप्लास इनवर्स लेते हैं तो आंसर क्या आता है, इन टर्म ऑफ टी। इसका मैंने लाप्लास इनवर्स लिया तो क्या आया, ई की पावर माइनस फाइव टी। पहले फंक्शनों को मैंने एफ ऑफ टी लिख बोल दिया, दूसरे को हमने जी ऑफ टी बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो मैंने क्या है कन्वोल्यूशन थ्योरम, 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू इन टू डी यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 टू टी जी ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस ए इन टू एफ ऑफ यू डी यू। रिप्लेस कर दें 0 टू टी, देखिए हमारे पास जो है एफ ऑफ टी है, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ यू, क्या हमारे पास आ जाएगा यू। टी की जगह पे मैंने रिप्लेस क्या कर दिया, यू। यहाँ रिप्लेस करें टी की जगह पे टी माइनस यू, ई की पावर माइनस फाइव, टी की जगह पे क्या आ गया, टी माइनस यू। अब इसको पावर को अलग कर लें, ई की पावर माइनस फाइव टी इन टू ई की पावर फाइव यू, ये मैंने लिख दिया। एफ ऑफ टी माइनस यू हमारे पास आ गया यू, और जी यू आ गया माइनस फाइव इन टू टी माइनस यू डी यू।
मैंने लिखा हुआ है कि एफ स्टार जी इक्वल होता है जी स्टार एफ, यानी जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है उसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, इसका मतलब टी हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट, मैंने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आपको पता है कि e की पावर 5u ओवर 5, आपको पता है इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और डेरिवेटिव में कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड किया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैंने क्या पुट की, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट। अब आप देखें इसको अगेन इंटीग्रेट करें, क्या आएगा e की पावर 5u ओवर 5 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 25। इस तरह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनके बेस सेम है, माइनस 5t प्लस 5t क्या आ जाएगा e की पावर 0, तो क्या आ जाएगा आंसर 1। तो मैंने यहाँ से 1 ओवर 25 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अगेन एक और क्वेश्चन है, यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम टू एवेल्युएट इनवर्स लाप्लास इनवर्स। अब आप देखें मैंने 1 ओवर s प्लस 1 को अलग कर दिया और s ओवर s प्लस 4 को हमने अलग कर लिया। अगर आप देखें जब इसका लाप्लास इनवर्स लेंगे तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 2t। देखिए मैंने इसको दो फंक्शन में चेंज कर दिया, एक को मैंने एफ ऑफ एक्स नाम दिया, दूसरे को मैंने जी ऑफ एक्स दिया। जब आप इसकी लाप्लास लेंगे तो एफ ऑफ एक्स किस में चेंज होगा, एफ ऑफ टी में। तो ये लाप्लास इनवर्स किसका है, ई की पावर माइनस टी, और ये किसका लाप्लास इनवर्स है, कॉज ऑफ 2t। अब आप देखें एफ ऑफ टी की जगह पे क्या आएगा, टी माइनस यू, यानी टी की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, टी माइनस यू, ई की पावर माइनस टी माइनस यू। अब यहाँ जी ऑफ यू तो क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 2u। लगाएं कन्वोल्यूशन थ्योरम, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम 0 to t एफ ऑफ टी माइनस यू जी यू डी यू। ये देखें एफ ऑफ टी माइनस यू की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और g ऑफ u की वैल्यू कन्वोल्यूशन थ्योरम में पुट कर दी। अब आप देखें हम करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू u। अब देखें e की पावर माइनस टी क्या कॉन्स्टेंट, मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी ना कभी इंटीग्रेशन खत्म होगी ना इसका कभी डेरिवेटिव खत्म होगा, तो इसका क्या तरीका है, इसको आप दो दफा इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा यही फंक्शन आ जाएगा। तो आप देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन, अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट मैंने पुट कर दी। अब अगेन इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 cos 2t और सेकंड की इंटीग्रेशन। देखें जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो देखें दोबारा वही फंक्शन आ गया जो हमने लिखा था, तो इसको हमने क्या बोल दिया, आई मल्टीपल का क्या है 4, ये अगर ऐड हो जाए क्या हो जाएगा 5i। तो आप क्या करें 5 को इधर डिवाइड कर दें, ये हमारे पास था कन्वोल्यूशन थ्योरम।